आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी सा वेज मेयो सैंडविच। सिंपल सी रेसिपी है और ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक बोल लिया है मैंने, इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉर्न। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसमें और अब हम मेयोनीज डाल देते हैं। मैं यहाँ पे एगलेस मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, तो सब्जियों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है और सैंडविच की फीलिंग बहुत टेस्टी बनती है। थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी सैंडविच फिलिंग बनने वाली है। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हम सारे फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सी फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे आप सैलेड की तरह भी सर्व कर सकते हैं। अब दो ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, इसमें से एक पे अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। तो बटर आप खूब जेनरसली लगाएं क्योंकि ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है सैंडविच को। अब एक दूसरा स्लाइस लेंगे और उस पे हरे धनिया की चटनी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चटनी पहले से बना के तैयार रखी हुई है। अगर आपके पास हरे धनिया की चटनी रेडी नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे। अब जो हमने सैंडविच की फिलिंग बनाई है वो यहाँ पे रख देते हैं एक स्लाइस के ऊपर। तो अच्छी तरह से 2 से 3 चम्मच आप लगाएं, फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये सैंडविच फिलिंग हमने अच्छे से लगा दी है। अब ये जो चटनी वाला स्लाइस है ये इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं और बस ये सैंडविच तैयार है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे इसको ग्रिल सैंडविच बना के तैयार करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स और मेयोनीज से बनाया हुआ सैंडविच है। तो अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। तो दोनों सैंडविचेस मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो यहाँ पे ग्रिल तवा लिया है मैंने, उसके ऊपर बटर डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। बस 1 चम्मच बटर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ये सैंडविच इसके ऊपर रख के और इसको हल्के से प्रेस करेंगे। अब सैंडविच को हमें दोनों तरफ से सेकना है तो ऊपर की तरफ बटर लगा के अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर इसे हम टर्न करके दूसरी साइड से भी वैसे ही सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन रोस्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा है और बिल्कुल क्रिस्पी इसका सरफेस है। तो ये सैंडविच हमारा बनके तैयार हो गया है। बस इसकी फिलिंग बनाने के लिए जो आपको वेजिटेबल्स कट करनी होती है उसमें आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आप फटाफट से फिलिंग बना सकते हैं और सैंडविचेस को तैयार कर सकते हैं। रोस्ट होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। इस हेल्दी और टेस्टी सैंडविच को आप डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये दोनों सैंडविचेस मैंने तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें कट करके देख लेते हैं। ये फिलिंग बहुत ही अच्छे से इसके अंदर स्टफ हुई है आप देख सकते हैं, और सारे इसमें जो हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन सिका है ये सैंडविच, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ज़रूर ट्राई करें इस क्विक और इजी सैंडविच की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।